हेलो दोस्तों, मैं रितेश कुमार। स्वागत है डीजे रितेश ब्लॉग्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के और एक न्यू वीडियो में दोस्तों। सो गाइस, आप लोगों ने टाइटल और थंबनेल पे देख लिया है कि आप लोगों को कौन से टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, आज जो टॉपिक के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं वो हरिद्वार के ऊपर बात करने वाले हैं, और हरिद्वार पे गए हुए कुछ झारखंड के जो यूट्यूबर्स हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं। जो अमरजी ब्लॉग ने पंकज भैया और शशि भैया का इंटरव्यू लिया था, तो उन्होंने क्या कहा था पहले मैं कुछ कुछ चीज़ें बता देता हूँ, पॉइंट ऑफ नोट बता देता हूँ, उसके बाद आप लोग उस क्लिप को देखिएगा और एक बार कमेंट करके अपना राय जरूर दीजिएगा कि उन्होंने जो है सही कहा कि गलत किया है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि वहाँ हम लोग झारखंड से जो है सार्जन भाइयों का वहाँ सेटअप गया हुआ था, और हम लोग के यहाँ से झारखंड से जो है काफ़ी यूट्यूबर्स भी गए हुए थे। तो कुछ कुछ यूट्यूबर्स मतलब क्या ही कर रहे थे कि मतलब अपना व्यूज़ के चक्कर में अगर किसी और का भी डीजे सेटअप का टेस्टिंग दिखा रहे हैं तो वो टाइटल पर लिख दे रहे थे डीजे सार्जन टेस्टिंग लाइव, क्योंकि काफ़ी जितने भी हम लोग के झारखंड के जो जो नहीं पहुंच पाए थे झारखंड से, उन सभी का जो है वेटिंग था कि कब हम सार्जन भाई का टेस्टिंग सुनेंगे। और उससे पहले ही उन लोगों ने क्या किया कि उठपटांग टाइटल दे के किसी और का डीजे को दिखा रहे हैं। मतलब जो भी हो सके, आप लोगों में से बहुत भाई लोग तो वो वीडियो देख भी चुके हैं, तो ऐसा कर रहे थे जिसमें कि बहुत ज़्यादा जो है हम लोगों को ख़राब लगा कि डीजे सार्जन इज लाइव लिख के और दूसरा सेटअप का वीडियो दिखा रहे हैं। कोई रोड का दिखा रहा है, कोई जितने भी कांवड़ लोग हैं उन लोग को दिखा रहा है। वहाँ पे दोस्तों और एक चीज़ हुआ था कि वहाँ पे जो रावण डीजे और सार्जन डीजे के बीच जब कंपटीशन हुआ, उसके बाद सार्जन भाई ने किसी कारण से जो है अपना सेटअप को खोल दिया था। वो लोग जो है घर आ रहे थे क्योंकि उस टाइम पर हम लोग जिस टाइम पर उन लोग का मीटिंग चल रहा था, उन लोग के पार्टी से, उस टाइम हम लोग वहीं पर मौजूद थे। तो कुछ कुछ भाई ने उस टाइम क्या किया था कि लिख दिया कि डीजे सर्जन जा रहे हैं घर, 3 लाख का लग चुका है उनको फाइन, पुलिस ने कर दिया है 3 लाख का फाइन। तो ये सब जो है दोस्तों सारा कुछ गलत है, ठीक है दोस्तों। आप लोग व्यूज के चक्कर में गलत गलत टाइटल और गलत गलत थंबनेल लिख के आदमी तक मत पहुँचाइए, जो चीज़ रियलिटी है उसी को दिखाइए। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा कुछ नहीं लेट करेंगे, आप लोगों को दिखाएंगे अमरजी भाई ने और डीजे शशि और डीजे पंकज भाई ने क्या कुछ कहा झारखंड के यूट्यूबर को लेके। तो आप लोग इस बात को थोड़ा नोटिस कर लीजिएगा, मतलब बड़े लगते हैं। तो आपके जितने भी बहुत लोग यूट्यूब पर गए, मैं भी गया था, कम से कम वहाँ पर 10-15 यूट्यूब पर थे जो आपके झारखंड से गए थे, और भी काफी यूट्यूबर जो यूपी से गए थे काफी जगह से, क्योंकि तो उनको क्या मैसेज देना पाओगे, मतलब मैसेज देना चाहते थे। हम लोग को ये बोलना चाहेंगे कि आप लोग मैटर को समझिए, उसके बाद कॉन्टेंट डाला दीजिए, क्योंकि बहुत सारा यूट्यूबर लोग सब गलत डालते हैं, कोई सच्चाई दिखाता नहीं। जी सच्चाई क्या है उसको जानिए, उसके बाद हाँ, आप लोग का एक छोटा सा क्लिप के कारण हम लोग का बहुत बड़ा दिक्कत हो जाता है, समझिए उसके बाद उसको डालिए।